मैं अभी अभी इतना सारा सामान लेके आई हूँ, एक इसमें छोटे वाले थैले में और एक ये है। तो मैं आपको हमेशा ऐसे वीडियो दिखाती हूँ, आपको पसंद आती है कि नहीं आती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आज मैं अपनी दुकान पे नहीं गई थी, जैसे सामान ख़त्म हो गया था मैं वो लेके आई हूँ बाबू के साथ जाके। मेरी तरह कौन अपने बच्चे को लेकर जाकर सामान लेकर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये थैले में नहीं आया क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए ये दो थैले ले गई थी और ये अंकल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद लेके बाबू के अंडे ख़त्म होने वाले थे तो ये अंडे लेके आई हूँ, एक कैरेट अंडे आए, ठीक है। उसके बाद ये अंडा का पैकेट है 400 रुपये का, ठीक है। मैं इस बार बड़ा वाला ले जाई। और उसके बाद इसके पापा के लिए कलर है बालों में लगाने के लिए, पिछली बार भी मैं यही लगाया था इनको और इस बार यही लगाया था, मैं नहीं लगाती। उसके बाद ये एलोवेरा जेल है अपने लिए, ठीक है। ये सीरम है अपने लिए, जहाँ से मैं ज़्यादातर सामान लेती हूँ ना खाने के लिए ऐसे वाली, वहीं से लिया था। तो ये उसके बाद देवने एक्सिन यू, ये एक परफ्यूम है, ठीक है, फॉग का है, बट मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगी तो मैंने ले लिया, देखिए। और ये है 475 रुपये का। और ये मुल्तानी मिट्टी है, मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो जैसे दुकान पर निकल जाती है खाली टाइम होता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उसके लिए चाहिए होता है। पैकेट में मैं ऐसे लेकर रखती हूँ, आप खुला भी ला सकते हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये ओनली 50 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद ये तेल है, ये मैं स्पेशल हस्बैंड का तेल ख़त्म हो चुका था ना उनके लिए लेकर आई थी, मैं नॉर्मल तेल नहीं लगाती हूँ, मैंने परसों लगाया था, बट क्योंकि अब कल शनिवार है तो आज रात को भी मसाज करूँगी। मैंने ये फर्स्ट टाइम लिया था, स्पेशल लिखा हुआ है इसमें, और ये 90 रुपीज़ का है, ठीक है। मेन मुझे सीरम चाहिए ही होता है, अभी बहुत टाइम हो गया था सीरम ख़त्म हो चुका था, इसलिए तो ये थैला ख़राब हो गया अंकल का। और उसके बाद ये थैला और ये बड़ा वाला दूसरा थैला, ये मम्मी ने मेरे को दिल्ली से सामान भेजा था ना तब का है, ऐसे के लिए मेरे को बहुत काम आता है। उसके बाद ये इंडियन मैगी है, आजकल यही खाती हूँ, आज ये पूरा पैकेट 145 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद ये 85 का है, ये चाय के साथ खाने के लिए अच्छा होता है क्योंकि सुबह के टाइम पे मुझे ना चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना होता है। मेरी तरह कौन कौन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। तो ये है, ये ओनली 85 का है। उसके बाद मैंने ये बिस्किट भी ले रखी है, कभी कभी चेंज हो जाता है, मारी गोल्ड है। और ये मुझे पड़ा था अराउंड 80 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद ये भी सुबह या शाम खाने के लिए हो जाता है चाय के साथ, ठीक है। इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमारे यहाँ तो पफ बोलते हैं इसे, ठीक है। ये चाय के साथ खाने का आइटम है। और उसके बाद ये अगरबत्ती है छोटा वाला, बहुत अच्छी स्मेल आती है गाइस, इसलिए मैंने ये लिया है, ठीक है। और उसके बाद ये बाबू का ओट्स, बीच में मैंने खिलाना बंद कर दिया था क्योंकि ख़त्म भी हो चुका था और मेरे ससुराल से और मायके से मम्मी ने भेजा था तो वही खिला रही थी इसलिए, बट ये चाहिए था तो बाबू के लिए मैंने ये 390 का पड़ता है इतना वाला बट्टा, तो मैंने ये लिया ओट्स का। उसके बाद ये सब्जी मसाला है, ठीक है। उसके बाद चार पैकेट कपड़े धोने वाले साबुन का, उसके बाद 2 kg का, कभी कभी खाजा बनाते वक्त या रोटी राखी खाते हुए तो उसके लिए चाहिए होता है। उसके बाद ये टॉयलेट के लिए ओरिनो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये खाने को करने वाला तेल धारा यूज करते हैं, एक पैकेट लिया मैंने। उसके बाद ये चीनी जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ख़त्म होने वाला था तो मैंने ले लिया,
उसके बाद सारे बर्तन बनने वाले 10-10 वाले साबुन छोटे वाले लिए इस बार मैंने। और उसके बाद ये दो अचार के बट्टे हैं, एक ये लप्सी का है और एक टिम्बर का है, ठीक है, ये 275 का है, ये 165 का है। लास्ट जो ये सर्फ एक्सल लिए मुझे बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि मैं नॉर्मली डायरेक्ट कपड़े नहीं धोती, फिर जाती उसके बाद धोती हूँ। अभी मैंने भिगा रखा है तो साबुन नहीं था और सारे साबुन भी ला रहे थे तो मैंने भिगा के रखा है ये दो सर्फ एक्सल। तो गाइस देखिए ये सब सामान है जो मैं हमेशा लाती रहती हूँ अकेले जाके। ये रहा मेरा बाबू, हेलो आदम, ये देखिए इतना सारा सामान है और इधर ये अंडा भी है, ठीक है। इतना सारा सामान है जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ बाबू के साथ ही अकेले। तो मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।